हरिओम जय गुरु। स्वागत है मित्रों आपका मानव बुद्ध देव यूट्यूब चैनल पर। मित्रों राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं, बड़ा बवाल मचा दिया। मैं साबित करूंगा इस वीडियो में कि राहुल गांधी जो बोले हैं सही बोले हैं, उन्होंने सत्य कहा है। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपकी भी बात समझ में आ जाएगी और फिर आप कमेंट में बताइएगा यदि मेरे बात से सहमत हो या यदि नहीं भी हो तो बताइएगा जरूर। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी को, उस बयान को उनके जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया, उस वीडियो क्लिप को भी हम यहां सुनेंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। सुनिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। राहुल गांधी के इसी वक्तव्य ने बहुत बवाल मचाया। मणिपुर में अभी वो कुछ गए थे, वहां से उनको जनता ने वहां विरोध किया, गो बैक राहुल गांधी वापस जाओ। वो वीडियो आप में से कईयों ने देखा भी होगा। और फिर हमारे महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कोई गांव है, वहां पे शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि राहुल गांधी को ये सूचित किया जाए कि वे आषाढ़ी वारी में सम्मिलित ना हो। महाराष्ट्र की परंपरा है, अभी आषाढ़ महीने में श्रावण महीने में पंढरपुर वारी जाती है, वारकरी संप्रदाय की ये प्रथा है यहाँ पे, उसमें वे सम्मिलित होने वाले थे राहुल गांधी, होने वाले है शायद, जो भी। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि उनको साफ मना किया जाए, उनको सूचित किया जाए कि इसमें सम्मिलित ना हो। तो हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है, आस्था को ठेस पहुंची है, हिंदुओं का अनादर किया गया, उनका अपमान किया गया, ऐसा पूरे देश में एक अभी वातावरण बना हुआ है कि राहुल गांधी ने ये बहुत गलत किया। लेकिन मैं साबित करूंगा कि जो राहुल गांधी ने कहा है, जो जो भी कहा है, उन्होंने उस सत्य कहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं। मित्रों 2013 में जब राहुल गांधी की मम्मी का राज था देश में, उस समय पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को कारागृह में डाला गया। आप सब जानते हैं मित्रों, बापू जी पर आरोप लगने से पहले से, मतलब जब बापू जी पर आरोप लगे उससे भी पूर्व से, जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी जो है, उनके खिलाफ 67 नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए थे, फिर भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। पुलिस ने न्यायालय को लिख कर दे दिया, पुलिस ने कोर्ट को लिख कर दिया कि इनको हाथ लगाएंगे तो पूरे देश में दंगे हो जाएंगे। उनको हाथ नहीं लगाया गया, दंगे नहीं हुए, हिंसा नहीं हुई। जब हिंसा नहीं हुई तो हिंसक उनको हम कैसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की। एक लड़की ने आरोप लगा दिया, एक बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र हुआ बापू जी के खिलाफ, बुजुर्ग संत की जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित किया, उनको पुलिस अरेस्ट करती है। इतनी सारी पुलिस वहां आती है कि जैसे मानो कोई बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार करने आए हो, बापूजी के साधक बड़े गुंडे हो, इस तरीके से एक माहौल उस समय बनाया गया। बापूजी को कारागृह में डाला गया और जब जेल में बापूजी को डाला गया तो हिंदुओं ने कितनी बड़ी हिंसा उस समय की मित्रों, बड़े बड़े हथियार हिंदुओं ने चला दिए, हिंदुओं ने अपने हाथ चलाए तालियां बजाने के लिए, हिंदुओं ने कलम चलाई बापूजी के खिलाफ तरह तरह के लेख लिखने के लिए, हिंदुओं ने मोबाइल में उंगलियां चलाई पूज्य बापूजी पर चुटकुले बनाने के लिए। तो ये ऐसे हाथ चलाए, कलम चलाई, उंगलियां चलाई, ऐसे बड़े बड़े हथियार जब हिंदुओं ने उस समय चलाए, मित्रों हिंदू हिंसक ही है। हिंदुओं ने कितनी बड़ी हिंसा उस समय की, एक कि जिनको हाथ लगाने से देश में दंगे हो जाएंगे, पुलिस ने उनको हाथ ही नहीं लगाया तो हम हिंसक कैसे कहेंगे जब हिंसा हुई नहीं। और दूसरे बापूजी को जब कारागृह में डाला गया, हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर क्या क्या नहीं कर लिया। यदि आपके जानकारी में कोई ऐसी घटना हो जो हिंदुओं ने उस समय
हिंसक प्रदर्शन किया हो, कहीं हिंसा की हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मित्रों, राहुल गांधी की इस बात को तो मानना पड़ेगा कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू हथियार भी चलाते हैं। मित्रों कमेंट करके बताइएगा राहुल और उनकी मम्मी के राज में जो कुछ भी हुआ और आज भी जो हो रहा है। आज पूज्य बापू जी को 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, 1 सितंबर 2024 को, 31 अगस्त की रात को, या 1 सितंबर हम कहेंगे कि 1 सितंबर 2024 को पूरे 11 साल होंगे बापू जी को कारावास में। ना उनको अब तक बेल दी गई, ना पैरोल दी गई। मित्रों कितने हिंदू हिंसा कर रहे हैं और करेंगे, कमेंट करके बताइए जरूर। हरिओम, जय गुरुदेव।